पहली बात की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जरा हम बताते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स। इसको थोड़ा तुम समझना पड़ेगा, ठीक है, अगर जिसको अगर नहीं अगर आता है इलेवेंथ में, अगर नहीं पढ़े ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन में अगर कुछ भी डालते वन डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, वन डालेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन, ठीक है, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अभी देखना क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह कितना है यहाँ पे, एक्स की जगह वन है, तो यहाँ पे देखो ये है एक्स इक्वल टू वन, तो वन से छोटा क्या होता है जीरो माइनस वन इंटीजर से, और वन से छोटा और वन के इक्वल भी, वन से छोटा और वन के इक्वल मतलब ये, ठीक है, और इसमें क्या देखना है सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए लेकिन लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन मैं डाल देता हूँ, तो देखो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है, मतलब वन से छोटा या फिर वन के इक्वल, वन से छोटा या फिर वन के इक्वल और सबसे बड़ा इंटीजर। तो वन के इक्वल और वन से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, देखो वन के इक्वल और वन से एकदम छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो माइनस वन से बड़ा, तो जीरो है, जीरो से बड़ा वन है, तो ये आ जाएगा वन, ठीक है। चलो कुछ और मैं यहाँ पे डालता हूँ, 5.2 डालता हूँ, ठीक है, या फिर 1.5 डालता हूँ, अब बताओ 1.5 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, फंक्शन में अगर 1.5 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, देखो यहाँ पे देखो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है, और यहाँ पे कहीं होगा अपना जीरो 1.5, ये हो गया 1.5 और 2 या 3, ठीक है। तो क्या देखना क्या है कि 1.5 ये हो गया 1.5 के इक्वल और इससे छोटा, ठीक है, 1.5 के इक्वल, 1.5 के इक्वल और 1.5 से छोटा, ठीक है, 1.5 के इक्वल और इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर बताइए कौन सा, तो 1.5 इंटीजर है नहीं, और इसके बीच में तो कोई इंटीजर होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे इंटीजर क्या है माइनस वन, तो उससे बड़ा जीरो है, उससे बड़ा वन है, उससे बड़ा 1.5 है बिल्कुल, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, वन से तो बड़ा 1.5 लेकिन वो इंटीजर नहीं है, तो ये क्या आएगा वैल्यू, वन आएगा, ठीक है, वन। अगर हम लोग माइनस में डालते हैं -1.5, ठीक है, तो यहाँ पे -1.5 क्या आ जाएगा, -1.5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ -1.5 के लिए, ठीक है, बस दो ही चीज़ है माइनस के लिए, अगर चेक कर लीजिए तो सीख गए, ठीक है। चलो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस वन है, और यहाँ पे -2, ठीक है, तो -1.5 कहाँ पे होगा, ये जीरो फिर माइनस वन, ये हो गया -1.5, ठीक है, -1.5, ठीक है, इसके आगे भी होते हैं नंबर, तो इसके आगे -2 -3, ठीक है। चलो तो अभी जरा हम लोग को क्या देखना है कि -1.5 कहाँ पे है, तो -1.5 यहाँ पे है, और इससे छोटा इधर, और इसके इक्वल मतलब इसके इक्वल और इसके छोटा, ठीक है, देखो क्या है -1.5 कहाँ पे है, -1.5 यहाँ पे है, अब ये इसके इक्वल या फिर इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, तो -3 इंटीजर है और इससे छोटा भी है लेकिन उससे बड़ा तो -2 है, ठीक है, और उससे बड़ा क्या है -1.5 लेकिन वो इंटीजर है ही नहीं, तो क्या आ गया आंसर -1 फिर -1.5 -2 -3, तो ये -1.5 के इक्वल और इससे छोटा इधर होता है और ये होता है बड़ा, तो इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है ना, समझ गए आपको, तो -2 इसका आंसर आ गया, ठीक है, तो आई होप कि ये नाम आप समझ गए होंगे। तो आप जरा तक बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, इसका ग्राफ अगर आप 11th क्लास में अगर सीखे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ग्राफ अगर नहीं सिखाया तो मैं ग्राफ जल्द से मैं बना भी देता हूँ, ठीक है, देखो एक्स वाई, अगर मैंने अगर वन जीरो डालते हैं
तो अगर इसमें अगर जीरो डालेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है, तो जीरो पे तो जीरो मिला। चलो और कुछ और डालो, ठीक है, जीरो से लेकर के 1.1 डालो, ठीक है, जीरो डालो, वन सॉरी 0.1 डालो, 0.1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग 0.1 अगर डालते हैं तो भी जीरो मिलेगा, 0.9 डालते हैं क्या मिलेगा, देखो x का वैल्यू 0.9 डालो, x का वैल्यू 0.9 डालेंगे तो 0.9 से छोटा कौन होता है, जीरो सबसे बड़ा, तो जीरो मतलब ये ग्राफ ऐसा चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये हो गया जीरो, ठीक है, ये ग्राफ कहाँ तक चलेगा, वन। और जैसे ही अगर हम लोग वन डालेंगे तो वन पे हम क्या मिलेगा, वन पे मिलेगा वन, ठीक है, वन पे वन मिलेगा। फिर से वन से लेकर के टू तक कोई भी नंबर डालो, ठीक है, वन से लेकर के टू तक कोई भी नंबर डालो, टू, ठीक है, वन से लेकर के टू तक का कोई भी नंबर डालो, जैसे यहाँ पे 1.9 डाल के देखो, 1.9 अगर डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1.9 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये 1.9 अगर हम लोग डाल दिए यहाँ पे, 1.9 अगर डालेंगे तो भी तो वन ही मिलेगा, 1.5 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी वन ही मिलेगा, ठीक है, x का वैल्यू 1.5 डालेंगे तो 1.5 से छोटा और सबसे बड़ा वन ही होता है। चलो अभी हम लोग टू डालेंगे, अगर एग्जैक्ट अगर टू डालेंगे तो क्या मिलेगा, एग्जैक्ट अगर टू डालेंगे तो एग्जैक्ट टू ही मिलेगा, ठीक है, मतलब टू अगर डालेंगे तो यहाँ पे कहीं टू मिलेगा, ठीक है, टू। फिर से टू से लेकर के थ्री के बीच का कोई भी नंबर डालो, ठीक है, ये थ्री, ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी नंबर डालो, 2.8 डाल के बताइए, 2.8 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2.8, यहाँ पे 2.1, 2, 3, 4 कुछ भी अगर डालेंगे तो 2.8 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2.8 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर तो टू ही है, वाई का वैल्यू टू मिलेगा, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग थ्री अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे थ्री मिलेगा, फिर से ये ऐसा जाएगा और ऐसा, ठीक है, वैसे निगेटिव में भी होता है, आप ग्राफ देख लेना 11th क्लास का। चलो तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, चलो तो इसको अच्छे से समझ लेना कि अगर हम लोग वन डालेंगे तो वन मिलेगा, टू डालेंगे तो टू मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे टू है, देखो वन डालेंगे तो वन मिलेगा, जीरो डालेंगे तो जीरो ही मिलेगा, जीरो डालेंगे जीरो मिलेगा, वन डालेंगे वन मिलेगा, टू डालेंगे टू मिलेगा, थ्री डालेंगे थ्री मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे थ्री है तो थ्री डाले थ्री मिला। लेकिन अगर हम लोग इसके बीच का कोई भी अगर नंबर डालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से 0.8 डालो, जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी अगर इंटीजर का डालते हैं, ठीक है, इंटीजर का डालते हैं, वन डालेंगे वन, टू डालेंगे टू, थ्री डालेंगे थ्री, ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच का अगर नंबर डालेंगे तो ये पीछे चलते जाएगा। अब ये तो बताओ कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीजर पे, जैसे हम लोग देखो जीरो से वन के बीच का अगर कोई भी अगर नंबर डालेंगे ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, देखो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, तो इंटीजर पे, एक्स इक्वल टू थ्री पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक्स इक्वल टू थ्री के राइट में, ठीक है, थ्री से कम में क्या देगा, ये वैल्यू देगा, थ्री से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मैंने अगर बोला कि एक्स का वैल्यू 3.1 डाल के बताइए तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू 3.1 डालते हैं, ये वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू थोड़ा सा अगर इससे छोटा डालते हैं, 2.9 डालते हैं, तो 2.9 अगर डालेंगे मतलब थ्री से थोड़ा सा छोटा, 2.9 डालते हैं तो हम 2.9 में हम क्या मिलेगा, 2.9 में मिलेगा टू। तो बताओ अब ये एकदम क्या हो गया, ये अपना क्या है, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये है मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये एकदम क्या हो गया, देखो इक्वल है क्या, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है, जितने भी इंटीजर वाले पॉइंट होंगे वहां पे हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो जितने भी कौन से पॉइंट है, इंटीजर वाले पॉइंट है इधर भी वो क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इंटीजर पॉइंट, ठीक है, जहां पे वो इंटीजर होगा वो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कभी एग्जाम में तो आप बना सकते हो, जैसे इसमें ना क्या पूछा जाएगा, तो x इक्वल टू वन पे पूछा जाएगा, ठीक है, कि x इक्वल टू वन पे चेक करके बताइए, x इक्वल टू वन पे हम बताओ, x इक्वल टू वन पे देखो, वन से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये मिला, वन से थोड़ा सा पीछे आओगे तो ये मिलेगा, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कि राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फिर दिखा दो कि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल अगर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है,
थोड़ा सिंपल इसको लिख दो। अभी मॉड फंक्शन जिसको अगर नहीं आता है वो भी देख लो, ठीक है। मॉड फंक्शन, तो मॉड फंक्शन कोई भी अगर फंक्शन है, मॉड फंक्शन दिस मॉड ऑफ x मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा क्या देगा, कुछ भी डालो बस उसको पॉजिटिव करके दे देगा, ठीक है। कुछ भी डालो वो उसको पॉजिटिव करके दे देगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी 11th क्लास में फंक्शन में था, ठीक है। यहाँ भी 12th क्लास के भी सेकेंड चैप्टर में है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में है, फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो जैसे आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना रिलेशन फंक्शन, ये 11th के सेकेंड चैप्टर में है, 12th के फर्स्ट चैप्टर में है रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ये मॉड फंक्शन का ग्राफ दिया, देखो जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं एक बार ग्राफ बना भी देता हूँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो ये मॉड x का ग्राफ है, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे बनता है ये, ठीक है। मान लेना कि ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। मतलब ये लाइन किसका बनता था, y इक्वल टू x का, और ये लाइन किसका बनता है, y इक्वल टू माइनस x का, ठीक है। ये लाइन है y इक्वल टू माइनस x, मतलब अगर कोई अगर एफ एक्स दिया है मॉड x, एफ एक्स दिया है मॉड x, तो ये एकदम टूट जाता है, कैसा, एक बार x और एक बार माइनस x, x का जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ये जब x लेस देन जीरो। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे सीख लो, ठीक है। देखो अगर कोई अगर मॉड फंक्शन है तो वो तो दो वैल्यू देता है, क्या, एक बार प्लस x देता है या तो एक माइनस x देता है। प्लस x कर देगा जब वो जीरो से बड़ा होगा और माइनस x कर देगा जब वो जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो हम देखो जीरो से अगर बड़ा है तो फंक्शन जीरो से बड़ा है तो x देगा ये लाइन, अगर जीरो से अगर छोटा है तो ये लाइन देगा, जीरो से छोटा है तो माइनस x, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि अगर x का वैल्यू अगर मैं माइनस फाइव अगर डालूँ तो माइनस फाइव इज लेस देन जीरो है ना, माइनस फाइव क्या है, x का वैल्यू माइनस फाइव डाले तो ये लेस देन जीरो है, तो क्या क्या देगा, मॉड x, तो मॉड x क्या देगा, मतलब मॉड ऑफ माइनस फाइव, मॉड ऑफ माइनस फाइव क्या देगा, तो मॉड x क्या देगा, माइनस x, क्योंकि ये जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से छोटा के लिए क्या देगा, माइनस x, माइनस और x, x का वैल्यू कितना है, माइनस फाइव, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, माइनस का फाइव, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का फाइव, ठीक है। तो अगर निगेटिव, अगर हम लोग निगेटिव नंबर का डालेंगे तो वो उसको एक और निगेटिव करके देगा, ठीक है। निगेटिव नंबर का डालेंगे तो एक और वो निगेटिव करके देगा, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर का डालेंगे तो वो सिंपल पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये लाइन हो गया वाई इक्वल टू एक्स का, ये लाइन हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स का, ठीक है। तो ये हम सिंपल आप देख सकते हो कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन आप देख भी सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो हम एक कोलिनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये भी एक कोलिनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। चेक कहाँ पे करना पड़ेगा, x इक्वल टू जीरो पे चेक करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू जीरो पॉइंट वन डालते, बताइए x का वैल्यू अगर जीरो पॉइंट वन अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू जीरो पॉइंट वन डालोगे तो मॉड y का वैल्यू जीरो पॉइंट वन ही मिलेगा। अगर अगर x का वैल्यू माइनस का जीरो पॉइंट वन डाले, माइनस का जीरो पॉइंट वन, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, ये तो प्लस में ही देगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये क्या है, छोटा है ना, और ये वैल्यू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, तो जीरो से थोड़ा सा आगे, तो जीरो से थोड़ा सा आगे ये हो गया राइट हैंड साइड, तो जीरो से आगे क्या दिया, जीरो पॉइंट वन, जीरो से थोड़ा सा पहले ये लेफ्ट हैंड, जीरो से थोड़ा सा पहले, ठीक है, जीरो से थोड़ा सा पहले, तो जीरो से थोड़ा सा पहले भी क्या दिया, जीरो पॉइंट वन, दोनों क्या है इक्वल, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। बाकी ये तो पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस, ठीक है, और बाकी जीरो पे भी कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई दिक्कत तो जरूर आप बताएं, कमेंट करें, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। हेलो बच्चे लोग, कैसे आप लोग, देखो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके आगे जो हम लोग पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू, अगर कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसमें अलजेब्रा कुछ नहीं लगता। अलजेब्रा का मतलब आप लोग 9-10 से कम पढ़ेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस को हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लस हो गया एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम समझने के लिए, अलजेब्रा को हम लोग समझने के लिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल ले लो साइन एक्स जी एक्स, कोई एक दूसरा फंक्शन ले लो, ठीक है, जी एक्स कोई एक फंक्शन ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अलजेब्रा की मैं बात करूँ, तो अलजेब्रा में पहला अलजेब्रा क्या था, एडिशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स करें, ठीक है, अगर हम लोग दो फंक्शन को अगर प्लस करें, मतलब अलजेब्रा का मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो अगर हम लोग दो फंक्शन को अगर प्लस करें तो ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसको माइनस अगर कर दें, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, एफ एक्स
मल्टीप्लाई जी एक्स। अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट क्या था, अलजेब्रा में डिवीजन, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो जरूर लिखना है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए जी एक्स। तो ये अब कितना बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो ये नीचे हो जाएगा जीरो, तो नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया अलजेब्रा फंक्शन। मतलब कोई अगर दो अगर फंक्शन दिया, ये साइन एक्स क्या है एक फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, साइन एक्स इज ए फंक्शन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये अलजेब्रा फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, या फिर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या है, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, देन जी एक्स, देन जी एक्स देखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, देन देन अलजेब्रा, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ दिस टू फंक्शन की गणना करना, दिस टू फंक्शन, टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर किसी दो फंक्शन को अगर दिया गया, ठीक है, दो अगर फंक्शन दिया, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो अगर फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, तो इसका अगर हम लोग दोनों फंक्शन को प्लस कर ले, माइनस कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखें कि अगर ये अगर एफ एक्स साइन एक्स है, ये कंटिन्यूअस है, ये हम लोग चेक करेंगे। जी एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, ये कंटिन्यूअस है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्या अलजेब्रा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। अब ये एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स प्लस, ये हो गया कंटिन्यूअस। कंडीशन क्या है कि साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर इफ एफ एक्स, अगर साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस है एंड जी एक्स, जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, तो ये चारों कंटिन्यूअस हो जाएंगे। मतलब साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, ये मल्टीप्लाई वाली कंटिन्यूअस और डिवाइड वाली कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शन अगर दिया है और दोनों अगर कंटिन्यूअस है, तो उनका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। अभी जरा साइन एक्स को हम चेक करना है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं। साइन एक्स का ग्राफ आता है, हमने 11th क्लास में पढ़े ना, साइन एक्स का ग्राफ नहीं पढ़े है। देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन जीरो पे बताओगे, साइन जीरो पे जीरो और फिर से साइन यहाँ पे वन, फिर ऐसा ग्राफ नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ अगर नहीं मालूम है तो भी मैं करा दूंगा दूसरी टेक्निक से। चलो ग्राफ अगर मालूम है तो ये क्या है, देखो ये एकदम कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ग्राफ से आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ से सिर्फ हम देखने के लिए है, ठीक है, सीखने के लिए। और ग्राफ से ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ले एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो अभी सी से पहले और सी के बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर सी से अगर पहले अगर चेक करेंगे तो साइन, सी से थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ए, ठीक है, ए। तो ए से थोड़ा सा पहले मतलब ए माइनस एच, और दूसरी बात साइन में ए से थोड़ा सा ज्यादा ए प्लस एच, और दोनों को डाल करके हम देखना है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, आप चेक करके बताओ सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ आपको समझना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग पहली बात एट लेफ्ट एक्स इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो हम डायरेक्ट लिख देते, एच टेंस टू जीरो, और फिर क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू क्या डाला है, ए प्लस एच, ठीक है, लेफ्ट में ए माइनस एच, ए माइनस एच, ठीक है। तो ए माइनस एच अगर डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ए माइनस एच, तो ए माइनस एच अगर हम लोग इसमें डालेंगे एफएक्स, तो ए माइनस एच क्या हो जाएगा साइन ए माइनस एच, और साइन ए माइनस एच और एच का वैल्यू जीरो डाल दो, या फिर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, या फिर सिंपल एच का वैल्यू जीरो डाल दो, ठीक है, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, अगर लिमिट अगर ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा साइन ए मिलेगा, ठीक है, एच का वैल्यू जीरो डाल दो,
तो एच का वैल्यू अगर जीरो डालती है तो साइन ए मिल गया, ठीक है। या आप चाहो तो आप इसको फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, अब वो डिपेंडेंट है कितने बार का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो टेकिंग लेंगे एक्स का वैल्यू, एच का वैल्यू जीरो डाल देंगे तो साइन ए आएगा। वैसे ही जब यहाँ पे जब राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस एच, फिर से टेकिंग लिमिट, लिमिट जब ले लेंगे तो वहां भी क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे डाल दो साइन, तो दोनों क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया ना, लेफ्ट में भी साइन है राइट में भी साइन है, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पहले हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, यस है, क्योंकि ये तो अलजेब्रा है, इसमें चेक नहीं करना है, ठीक है, इसमें चेक नहीं करना, क्योंकि ये अलजेब्रा फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रा फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को हम लोग चेक कर लिया, लेफ्ट में भी इतना ही है राइट में भी इतना ही है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसलिए अब ये हम इस थ्योरम से जाओ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को क्या बोलता है कि अगर एफ एक्स मतलब ये साइन एक्स कंटिन्यूअस है ना, अभी हम प्रूव करें ना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल है, ये जी एक्स, जी एक्स क्या है, जी एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या है, ये भी अलजेब्रा फंक्शन कंटिन्यूअस, तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये चारों क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा फंक्शन। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का ठीक ही था कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन, अगर यहाँ पे एफ एक्स दिया है ये और जी एक्स ये दिया है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। कंपोजिशन आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे और यहाँ 12th में भी है, ठीक है, 12th में भी कंपोजिशन का मतलब क्या था, वही एफ ओ जी और जी ओ एस 11th क्लास में तो मिला है ना सबको, चलो नहीं मिला है तो देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एस ओ जी, एस ओ जी इसको बोलते हैं, एफ ओ जी और इसको ब्रैकेट लगा लो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, एफ ओ जी एफ एक्स, इसका मतलब हो गया फंक्शन, पहले क्या फंक्शन है, जहाँ पे ओ है ना वहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट ये दे देंगे, तो एफ ओ की जगह मिडिल ब्रैकेट और ये सेम टू सेम जी एक्स, ठीक है, मतलब क्या डालना क्या है, देखो एफ ओ जी, एफ ओ जी का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि दो फंक्शन को एक में मिला देना, ठीक है, मतलब दो फंक्शन है, ये साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शन को कंपोजिट कर देना, ठीक है, कंपोज कर देना, एक दूसरे में कंपोज कर देना, एक दूसरे को मिला देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन। तो क्या हो जाएगा, तो एफ ओ जी का मतलब हो गया कि पहले हम लोग एफ में जी को डालेंगे, ठीक है, एफ ओ जी को मतलब एफ में जी को डालेंगे, मतलब एफ में जी को डालेंगे, ठीक है, एफ में जी को डालेंगे, और जी ओ एफ का मतलब जी ओ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, जी ओ एफ गॉस का मतलब हो गया कि हमने जी में एफ को डालना है, ठीक है, जी में एफ को डालना है, तो जी में एफ को डाल लो, तो पहले क्या है जी, तो जी और ब्रैकेट ओ की जगह, ओ की जगह ब्रैकेट, तो ओ की जगह ब्रैकेट और एफ एक्स, ठीक है, चलो इसको जरा हम लोग समझते हैं। कंपोजिशन का मतलब दो फंक्शन को एक साथ मिला देना, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग एफ ओ जी लेंगे मतलब एफ में जी को डालो, और जी ओ एफ का मतलब जी में एफ को डालो, ठीक है, चलो इतना तो समझ गए। अभी जरा यहाँ पे डालते हैं हम लोग, एफ में जी को डालना है तो एफ को तो वैसे ही रहने दो, और जी को जरा हम देखते हैं हम लोग, जी क्या है, जी एक्स कितना है, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, देखो एफ ओ जी का मतलब एफ में जी को डालना है, एफ में जी को डालना है, ठीक है, एफ को वैसे ही रहने दो, एफ को वैसे ही रहने दो, जी एक्स को डालो, जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब एफ में डालो, ठीक है, एफ में डालो, देखो एफ में अगर हम लोग एक्स डालेंगे तो साइन एक्स, अगर हम लोग एफ में एक्स डालेंगे तो साइन एक्स, अगर हम लोग एफ में अगर टेन डालेंगे तो साइन टेन, अगर हंड्रेड डालेंगे तो साइन हंड्रेड, अगर हम लोग एस में अगर पी डालेंगे तो साइन पी, अगर हम लोग एफ में अगर एक्स स्क्वायर डालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स डालेंगे तो साइन एक्स, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर डालेंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी डाले हैं उसको वो साइन लगा देगा, ठीक है, साइन लगा देगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था इसमें साइन लगा देगा, चलो जी ओ एफ का मतलब जी में एफ को डालो, ठीक है, तो जी में एफ को हम लोग डालेंगे तो क्या मिलेगा, जी में एफ को डालो, तो इसको लिख लो, जी को वैसे ही इस बार आने दो, और एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स हो गया साइन एक्स, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, चलो तो जी ऑफ
जी के अंदर एफ एक्स डालना है, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन एक्स, तो एफ एक्स हो गया साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स, और इसमें जी डालना है, जी में, तो जी में हम देखो क्या, जी में अगर एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, जी में अगर टेन डालेंगे तो टेन स्क्वायर, जी में अगर हंड्रेड डालेंगे हंड्रेड स्क्वायर, जी में अगर एम डालेंगे एम स्क्वायर, पी डालेंगे पी स्क्वायर, तो जो डालेंगे उसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम लोग साइन एक्स अगर डालेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स और उसका स्क्वायर कर देगा, जो भी है उसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है। चलो तो अगर ये अगर एफ एक्स था, ये अगर जी एक्स था, तो इसका एफ ओ जी और जी ओ एफ हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो यही पे हम लोग लाइन में ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, देन कंपोजिशन, देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस हो गया, एक वर्ड को चेंज करना था, ठीक है, कि अगर एफ एक्स साइन एक्स कंटिन्यूअस है, पहले से मुझे जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, चलो ये जी एक्स तो अलजेब्रा फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये अलजेब्रा फंक्शन है तो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है, या फिर इसको पॉलीनोमियल फंक्शन बोलो, सॉरी, ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन, तो पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। चलो अभी ये एफ ओ जी क्या हो गया, ये हो गया जी ओ एफ, अभी दोनों कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या फिर साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलो तो ये लाइन अच्छे से याद रखना, ऐसे ही कोई भी अगर फंक्शन अगर दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपको और भी कुछ अगर फंक्शन हम लोग दे देते हैं, जैसे आप चेक करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर एफ एक्स आपको दे दिया, ठीक है, मैं यहीं पे हटा देता हूँ, देखो एफ एक्स अगर दे देते हैं मॉड एक्स, बस यहाँ पे मॉड एक्स कर देते हैं, ठीक है, अब ज़रा तो बताइए तो एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या मिलेगा, ठीक है, देखो एफ ओ जी, एफ में जी, ये तो पूरा ठीक है सब सेम, एफ में जी डालना है, तो एफ जी एक्स, जी एक्स कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर डाल दिए तो एफ में क्या मिलेगा, एफ में एक्स स्क्वायर डालना, तो एफ में हमने एक्स डाले तो मॉड एक्स मिला, अगर हम लोग एफ में जो डाले हैं उसका क्या हो रहा है, मॉड हो रहा है ना, यहाँ पे ये हम दूसरा फंक्शन हो गया, तो ये एफ में हम लोग एक्स डाले तो एक्स स्क्वायर, एफ में अगर एक्स स्क्वायर डालेंगे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग ज्यादा देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, जी ओ एफ, जी में एफ एक्स डालना है, ठीक है, तो एफ एक्स डाल दिए हम लोग जी में एफ एक्स, चलो तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स जी एफ एक्स, एफ एक्स की जगह मॉड एक्स, अभी जी में देखो क्या डाले, जी में अगर हम लोग एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, जी में अगर मॉड एक्स डालेंगे तो मॉड एक्स का स्क्वायर, जो भी डालेंगे ना उसका स्क्वायर, तो मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मॉड एक्स का स्क्वायर, राइट, तो मॉड एक्स का स्क्वायर मिल गया, राइट। चलो तो ये हम क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शन, अब चेक करना है कि ये मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो पॉलीनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, ये मॉड एक्स कंटिन्यूअस पॉलीनोमियल देख चुके हैं, तो ये इसका कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप बताओ कोई भी अगर दिक्कत, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्या होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, अभी देखो ये क्या होता है, ऊपर साइन एक्स कंटिन्यूअस हम लोग चेक कर चुके हैं, नीचे कॉस एक्स क्या है आप लोग चेक कर लेना, सेम टू सेम जैसा मैंने साइन एक्स के लिए बताया, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब y इक्वल टू टेन एक्स जो है वो तो कैसे बना, कैसे, तो y इक्वल टू टेन एक्स बना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन क्या होता है कंटिन्यूअस, और नीचे कॉस भी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, अभी हम लोग सीखे थे कि दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसको हम लोग प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, तो इसीलिए y इक्वल टू टेन एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाई कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये 5x को, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू 5x, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है,
ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि y जो है tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है, y जो 5x है वो पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो पॉलीनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो गया, तो ये इनका क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा। तो इसीलिए इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वाई प्लस वाई वन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई वन, वाई प्लस वाई वन क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई वन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा इफ वाई एंड वाई डैश इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर एफ एक्स कोई अगर फंक्शन है, दो दो फंक्शन का प्लस है, वाई प्लस वाई वन दो फंक्शन का प्लस है, ये कंटिन्यूअस होगा इफ यदि वाई एंड वाई डैश दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम देखो यहाँ पे ये है वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये है वाई डैश कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका प्लस वाई प्लस वाई डैश ये एक्चुअल में क्या है, वाई प्लस वाई डैश। तो ये दोनों का एडिशन जो है ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। चलो वैसे इसमें ना बताइए जरा सेकंड में हम क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड में कंपोजिशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन भी ना लगाना पड़ेगा और ये अलजेब्रा वाला भी रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो अभी यहाँ पे ये देखो मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ये एक अलजेब्रा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग जरा भी समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई वन मानेंगे, वाई वन मानेंगे वन माइनस एक्स, ठीक है, वन माइनस एक्स, फिर वाई टू मान लेंगे मॉड एक्स, ठीक है, वाई टू मॉड एक्स, और वाई थ्री मान लेंगे मॉड ऑफ एक्स को फिर से हम लोग मानेंगे, ठीक है, या फिर मॉड के रहे, चलो मॉड एक्स, बस दो ही हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग जरा इसको देखते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, एन सी आर टी का ही क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। चलो तो इसमें जो है वाई और वाई वन हम लोग माने हैं, समझे ना कैसे हम लोग वाई और वाई वन माने। चलो तो अभी इसके बाद ये हो गया वन माइनस एक्स को वाई वन माने और ये हो गया वाई टू, तो इनका जब हम लोग एडिशन रन करेंगे, ठीक है, तो पहले तो देन चेक करना कि ये क्या है, ये क्या है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है, और ये क्या है मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये y1 कंटिन्यूअस है और y2 भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस। तो अब जरा हम लोग देखें कि y प्लस y1, तो इसीलिए y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 कितना हो गया, y1 प्लस y2 हो गया 1 माइनस x और प्लस मॉड x, ठीक है, क्योंकि y1 कितना था 1 माइनस एक्स और y2 क्या था मॉड एक्स, तो इन दोनों को अगर प्लस कर लिए तो ये भी क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि अगर y1 अगर कंटिन्यूअस है, y2 अगर कंटिन्यूअस है, तो y1 प्लस y2 कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो भी मल्टीप्लाई की y कुछ भी होगा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो अभी एक और मॉड है, इतना तो हो गया, एक और मॉड है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अभी हम लोग इसमें कंपोजिशन वाली रूल लगाएंगे, यहाँ तक तो हम समझ गए। देखो अभी इसके बाद हम लोग देखो अब हम लोग मानेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स मानेंगे, ठीक है। देखो जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एच एक्स, एच एक्स इसको मान लेते हैं ये पूरा, ठीक है, ये हो गया वाई वन प्लस वाई टू मतलब वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे। देखो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, पहला यहाँ पे रूल क्या लगाना है, पहला रूल लगाना है ये अलजेब्रा वाला, उसके बाद कंपोजिशन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जरा हम देखते हैं किसमें किसको डालेंगे, ठीक है। तो जी ओ एच, जी ओ एच, जी ओ एच एट एक्स बताइए क्या, जी ओ एच, ठीक है, जी ओ एच क्या आ जाएगा, जी ओ एच, तो जी फिर ओ की जगह ब्रैकेट बना लो, जी ओ की जगह ब्रैकेट और एच एक्स, ठीक है। चलो अभी क्या हो गया जी, फिर यहाँ पे एच एक्स, एच एक्स मेरा क्या है, एच एक्स है ये फंक्शन, तो वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। चलो तो ये फंक्शन हो गया जी ओ एच, जी में एच डाले तो जी में एच डाले, अभी जी में, जी में देखो जी में एक्स डाले तो मॉड एक्स, जी में अगर ये चीज अगर डाले तो क्या हो जाएगा, इस पर मॉड हो जाएगा, तो इस पर मॉड, ठीक है, मॉड बड़ा सा वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है ना, तो ये बड़ा सा मॉड इस पर आ जाएगा
तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जी ओ एच अगर दिया है तो ये आ गया, अगर ये जी एक्स, जी एक्स क्या मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये जी एक्स क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एच एक्स पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये वाई वन प्लस वाई टू यही है अपना क्या एच एक्स, ठीक है। तो ये जो एच एक्स है कंटिन्यूअस फंक्शन है पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये जी एक्स जो है मॉड एक्स है, जी एक्स क्या मॉड एक्स ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग जानते हैं। तो इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन जी ओ एच ये क्या हो गया जी ओ एच भी कंपोज, ये भी इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अभी थर्ड पे हम लोग बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो थर्ड पे हम बात करोगे तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव क्या होता है अलजेब्रा फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज पॉलीनोमियल फंक्शन, x square minus 25 is polynomial function, नीचे क्या है x plus 5 क्या polynomial function, तो ऊपर भी polynomial function, नीचे भी polynomial function, तो क्या हो गया ये polynomial हो गया और वो भी continuous, ठीक है। या फिर देखो ऊपर क्या है polynomial function is continuous, नीचे क्या है polynomial function ये भी continuous होता है, तो continuous divided by continuous is continuous function, ठीक है। तो ये हो गया अपना continuous function, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो फिर हम लोग मिलते हैं।